चाय बनी इस बीमारी का इलाज, लोग दवाइयां छोड़ पी रहे हैं इसे। हाई बीपी से पीड़ित 79% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे एक महीना अतिरिक्त जीवन जीने के लिए दवाई खाने को तैयार हैं, जबकि 78% लोगों ने कहा कि रोजाना चाय का एक कप पीने के लिए तैयार हैं। हाई बीपी से परेशान लोग अपनी इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक कप चाय और दवाई खाना ज्यादा पसंद करते हैं। एक सर्वेक्षण में 79% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे एक महीना अतिरिक्त जीवन जीने के लिए दवाई खाने को तैयार हैं, जबकि 78% लोगों ने कहा कि रोजाना चाय का एक कप पीने के लिए तैयार हैं। हां, केवल 63% ने कहा कि एक अतिरिक्त महीने जीने के लिए व्यायाम करना पसंद करेंगे। कनेक्टिकट के याले स्कूल ऑफ मेडिसिन में सहायक प्राध्यापक व इस अध्ययन की लेखिका एरिका स्पैट्स ने कहा, हमारे निष्कर्षों से पता चलता है कि लोगों ने स्वाभाविक रूप से हृदय की सेहत में सुधार के लिए अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके खोज लिए हैं। इन 4 लोगों के लिए जहर है अदरक, ना खाएं तो ही बेहतर। शोधार्थियों ने इस दौरान 1500 अमेरिकी वयस्कों से हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने की कल्पना करने के लिए कहा था और उसके बाद पूछा था कि आप 1 माह, 1 साल या 5 साल अतिरिक्त जीवन जीने के लिए चारों में से कौन सा उपचार अपनाएंगे। खाली पेट क्यों खाना चाहिए लहसुन, ये है 7 कारण। इन 4 उपचारों में रोजाना एक कप चाय, व्यायाम, दवाएं और मासिक व अर्धमासिक इंजेक्शन के विकल्प शामिल थे। इस दौरान केवल 68% लोगों ने कहा कि वे अतिरिक्त जीवन जीने के लिए मासिक व अर्धमासिक इंजेक्शन के विकल्प को चुनेंगे। टिप्पणियां, सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोग 45 उम्र के कम थे। इनमें आधी संख्या महिलाओं की थी, जिनमें से अधिकांश उच्च रक्तचाप से पीड़ित थीं।